Good afternoon, everyone. It's time to get our knowledge domains more enriched with the second session of the day. We are blessed to have with us Professor R.P. Pathak, who has been spreading the light of wisdom for over 30 years with his wide expertise and experience. Sir is currently working as a professor at Sri Lal Bahadur Shastri, National Sanskrit University, Delhi. He has been awarded with several prestigious awards like the Vidwat Bhushan Award by Akhil Bharatiya Vishwa Parishad, the Best Citizens of India Award by the International Publishing House, New Delhi, Jai Govind Rai Distinguished Alumni Award by the Faculty of Education, BHU. The Jyoti Puraskar Award presented by Bell Award by Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal. Professor Pathak has contributed to the field of academia and intelligentsia with several publications, which includes over 60 articles and 48 research papers. He has also taken up significant research projects on education of the NIOS, the SCERT, and the NCERT. Sir has developed learning materials for school education, several educative courses, and 10 working papers on various aspects of education. And the list of Sir's contribution goes on and on. I, Dr. Bhageshwari Sharma, welcome you, Sir, on behalf of DTU fraternity to enlighten us on the theme Itihas, to delve into the historical evolution of Indian knowledge system. We welcome you once again, sir. Before Professor Pathak's talk, let me brief to the audience. मैं विधिवत रूप से प्रोफेसर पाठक का अपने इस आभासी पटल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. प्रोफेसर पाठक एक शिक्षाविद नहीं, एक संस्कृति कर्मी भी हैं और भारत के हर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जहाँ भी शिक्षा का कार्य होता है वहाँ की जड़ों से जुड़े हैं. सर का बड़ा लंबा जीवन रहा है अध्ययन और अध्यापन में, जैसा कि डॉक्टर भागेश्वरी ने, हमारी सहयोगी ने बताया. मैं व्यक्तिगत तौर से प्रोफेसर पाठक से कई वर्षों से जुड़ा हूँ और उनमें एक अदम्य उत्साह रहता है और नवाचार उनकी शैली है. और आज जिस विषय पर आप बात करेंगे, ये इनका बड़ा प्रिय विषय है, इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो इतिहास है. और प्रोफेसर पाठक लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में इतने गहन अध्ययन इस विषय पर रिसर्च करवा चुके हैं और मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला. हमने जब उनसे एक बात चर्चा करी जो प्रोफेसर पाठक के संज्ञान में भी है, हमने कहा सर हमें अपना आधार और ध्येय वाक्य इस विश्वविद्यालय का चुनना है, तो उन्होंने एकदम से उस पर मोहर लगाई. क्यों? हमने कहा कि सर आचार्य देवो भव, अगर हम इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य रखें तो ये कैसा रहेगा, क्योंकि उनसे उचित कोई व्यक्ति संस्कृत वांग्मय में और शिक्षा में नहीं है. वो संकाय प्रमुख रह चुके हैं संस्कृत विद्यापीठ के. तो उन्होंने कहा कि जो आचार्य की जो परंपरा है और आचार्य की जो संस्था है उसके लिए अगर कोई सार्थक शब्द है तो वो यही है, आचार्य देवो भव. क्योंकि आचार्य भारत की एक परंपरा का सबसे बड़ा एक, मुझे लगता है कि एक स्रोत रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा में, जो विश्व में हमने पताका फहराई जब भारत पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, जब उसने हमला किया था तो उसने भी अपने शिष्य को कहा था जाते हुए कि वहां उसके जो गुरु थे अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल कहते हैं, उसको अरस्तु ने कहा सिकंदर को कि अगर आप विश्व में, भारत में जा रहे हैं तो वहां से आते हुए तो मेरे लिए गंगा जल, एक गुरु और एक गीता वो लेके आइएगा. तो यानी आप देखें जहां पर फाइयान से लेके हेनसांग जैसे जो ट्रेवलर्स आए, जिस यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, वहां से अगर उस देश को गुरुओं का देश कहा जाता है और आज भी विश्व में सर्वाधिक गुरु, जो मैं कहूंगा टीचर्स, हम वर्ल्ड को दे रहे हैं. तो ये हमारी नॉलेज इकोनॉमी है जो हमने अपनी पताका फहराई है, वो ज्ञान की पताका है. तो प्रोफेसर पाठक इस विषय में अधिक बोलेंगे. मैं आपका सर विधिवत रूप से स्वस्ति वाचन के साथ
आपको आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और अपनी पूरी टीम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत आभार कि आपने व्यस्ततम कार्यक्रम के मध्य हमारे लिए कुछ क्षण कुछ फुर्सत के और कुछ ज्ञान के क्षण निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। सबको नमस्कार प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को वंदन करते हुए, आज हम जिस विषय पर आभासी है इस व्यवस्था से जुड़ेंगे वह है हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास और विकास कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से चला और कहाँ तक आया। एक बड़ी लंबी इसका एक बहुत एक बड़ा मार्ग है और उस पथ के हम सब पथिक बने। इसी श्रृंखला में बात जब आदरणीय प्रोफेसर धनंजय जी कुलपति इस टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के जब उन्होंने बताया तो शायद मैं अपने को बड़ा वो कर रहा था कि इतना रिगार्ड्स उनका, उनकी वाणी में इतना सम्मान है, तो मैं तो अपने को यही समझ लिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है हमारे आचार्य परंपरा के साथ जीवित है। ज्ञान अगर है तो आचार्य है, आचार्य है तो ज्ञान है, ये चलता रहे सिलसिला। बात कहाँ से शुरू करूँ मैं बहुत सारा यही सोच रहा था, तो मैं विष्णु पुराण के उस श्लोक से शुरू करता हूँ, भारत से, जहाँ पर कहा गया है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है कि भारत क्या है, किसे कहते हैं। विष्णु पुराण में, हमारी ज्ञान परंपरा में इतिहास का जो ग्रंथ है विष्णु पुराण, उसमें यह बात कही गई। और दूसरा पुराण है, एक वायु पुराण है, वायु पुराण में छह द्वीपों का वर्णन किया गया है। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा से पहले भारत के बारे में जानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये छह द्वीप जो हैं हमारे, जिसमें वर्णन किया गया है कि भारत मलाया, सिंघल द्वीप, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब द्वीप के रूप में थे, द्वीप के रूप में थे सब। और भारत का जो विवेचन किया गया है, भारत इति भारत, भारत वह है जो प्रकाश में रत हो। हमारे यहां कहा गया है अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य। ज्ञान और विद्या और शिक्षा के हम सनातन पुजारी रहे हैं, इसलिए हमारे यहां सनातन परंपरा है जिसका कोई अंत नहीं है। कई हजार साल, लाखों साल जो भी कह सकते हैं, परंपरा में हमारी विद्या, शिक्षा, ज्ञान जो है ये चलती आई। इसी क्रम में जब है, हम बहुत सारे हमें उदाहरण और मिलते हैं। भारत से कई देश, भौगोलिक थोड़ा सा मैं पक्ष ले रहा हूं कि भारत को जो है आर्यावर्त कहा गया, जम्मूद्वीप कहा गया है, आर्यखंड कहा गया, बहुत सारे इसके नाम हैं अलग अलग रूप से, भारतखंड है, जम्मूद्वीप है, और इनके अपने नाम है और इनके साथ ज्ञान परंपराएं हमारी जुड़ी है। चाहे अफगानिस्तान हो, नेपाल, भूटान, तिब्बत, लंका, म्यांमार, पाकिस्तान, इवन यहाँ जो आपका ये मालदीव, ये हमारे ही देश से सब, इसी भारत से ही सब निकले हैं सब। और ऐसा भारत जो पुण्य की भूमि में, पूरी दुनिया एक पुण्य क्षेत्र में के रूप में मानती है कि ज्ञान का उद्भव जो है हमारे यहाँ वेद से हुआ, और वेद में सबसे पहले जो वैदिक काल है हमारा ऋग्वेद। तो भारतीय भूमि जो है संस्कार की भूमि, देवभूमि, और इस पूरे ज्ञान परंपरा में जब वेदों की बात करते हैं, मैं उस पर आऊंगा आपके, जब हम वेदों की बात करते हैं तो पूरे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, शायद मैं पीपीटी की बात पूरी बात न कह पाऊं, आप देखने वाले देख सकते हैं, मैं बात जो आगे कर रहा हूं कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये हमारे ज्ञान परंपरा के आधार बिंदु थे। ज्ञान के मार्ग पर चले हम, कर्म के मार्ग पर चले,
योग के मार्ग पर चलें और भक्ति के मार्ग, इसी के आधार पर हमारे यहाँ ग्रंथों का, ये कहिए कि ऋषियों ने जो है ग्रंथों की रचना किया, संकलन किया, या उनको जो है श्रवण किया, मनन किया, और कहा गया है यजुर्वेद के एक मंत्र में, एको अहम बहुश्यामः, मतलब हम अकेले हैं लेकिन सबके साथ है पूरा। इस उपनिषद में बात आई है ईशावास्यमिदं सर्वं, मतलब एक एक ऐसी बात ज्ञान की कही गई है। हमारे यहां पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई, धर्मानुकौलो ही अर्थ कामो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारी कामनाएं भी धर्म के अनुसार होगी, अर्थोपार्जन भी धर्म के अनुसार होगा, और हमारी जो है जो मोक्ष जो मुक्ति की बात होगी, हम जब इस वैराग्य जीवन पर जाएंगे वो भी हमारे जो है धर्म के अनुकूल होगी। धर्म ये रिलीजन नहीं। तो पूरी की पूरी जो हमारी आकांक्षा रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की ऋषियों का, वो तो रहा है सर्वे भवन्ति सुखिनः, क्या सबको हमने वो देखा है। इस क्रम में जब आगे चलते हैं, इतिहास के कालखंड में हम चलते हैं जब, तो आपने सुना होगा कि यहाँ जैसे है चाणक्य का है, अर्थशास्त्र है, अन्वीक्षकी है, जो कंठपुरी साइंस है हमारा, इसके बाद है वार्ता है, हैं दंड नीति है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं वेद से बात थोड़ी सी शुरू करना चाहूंगा कि वेद का जो आधार हमारा क्या रहा है। लगभग 1000 वर्ष पहले से ही, ईसा पूर्व कहिए, क्योंकि इन बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और वो इंस्क्रिप्शंस हमें टेंपल के मिलते हैं, मंदिरों के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, पांडुलिपियां मिलती हैं, उन पांडुलिपियों में हमें ज्ञान के आधार बिंदु मिलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान का मिलता है। इसके अलावा हमारे ऐतिहासिक विकास यात्रा में महत्वपूर्ण जो है वो लिटरेरी सोर्सेज है, साहित्यिक जो है साधन है, जिसमें हमारा धर्मशास्त्र है, हमारा जो है धार्मिक ट्रेडिशन के बहुत सारे, हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के, भारतीय भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में, और इसके साथ साथ वेद वेद के जितने भी प्रकार हैं उनके साथ साथ हमारे बुद्धिस्ट बौद्ध और जैन का भी जो है मिलता है जिसमें, तो एक लिटरेरी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं इतिहास के क्रम में, जिसमें सनातन धर्म है, साहित्यिक जो ऐतिहासिक साक्ष्य है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में जो है धार्मिक, दूसरा जो है धार्मिक ट्रेडिशन, हमारी धार्मिक परंपराएं, और तीसरा जो है भारतीय भाषाओं में जो बातें मिलती हैं, ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं ऐतिहासिक विकास की यात्रा के। नॉन लिटरेरी भी सोर्सेज हैं हमारे, जिसके अंतर्गत ओरल ट्रेडिशन रहा है, मौखिक, श्रवणम मंगलम भवतु, सुनने की परंपरा हमारे रही, श्रवण मनन और निध्याष्टन की, ये दो परंपराएं साथ साथ चली हैं हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के इतिहास के विकास का, साहित्यिक और दूसरा जो है जो साहित्यिक नहीं है। अब आते हैं एक इसमें शब्द आता है, यहां पर आप देखें कि जब हम क्लासिकल लिटरेचर ऑफ भारत की बात करते हैं तो चार वेद हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ बताना जरूरी है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, ऋग्वेद जो है ये हमारा पूर्व वैदिक वैदिक काल का है, और बाकी जो तीनों वेद हैं ये हमारे उत्तर वैदिक काल के हैं, बहुत बाद के हैं। इन पर बड़ा सारा है समय अभाव है, लोगों ने अपना अपना समय निर्धारण और सब अलग अलग ढंग से सब बातों ने वो लोगों ने किया है पूरा का पूरा। तो ये पूरा जो है, और वेद के 6 वेदांग हैं, मतलब एक वेद के 6 अंग हैं, जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे वेद के हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त, ज्योतिष। जब इनकी बात करते हैं तो हम जिस शिक्षा की आजकल बात करते हैं, वेद के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा जो है फोनेटिक्स है, उच्चारण,
जो उच्चारण परंपरा है ये हमारी शिक्षा है, और इसके साथ साथ जो है व्याकरण जो है ये हमारा ग्रामर पक्ष है। व्याकरण के साथ छंद जो है, छंद पूरे हमारा भाषा विज्ञान है, जिसको हम पूरा लिंग्विस्टिक के अर्थ में हम बात करते हैं। निरुक्त जो है हमारा एक्सप्लेनेशन है, किसी चीज की पूरा कैसे उसका हमें विवरण देना है, निरुक्त है। ज्योतिष विद्या है एक, और कल्प जो है हमारे रिचुअल्स हैं पूरे, जिसके आधार पर हम सब रिचुअल्स किए जाते हैं। तो इस तरह से वेद का भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐतिहासिक विकास में शिक्षा जब हम कहते हैं तो वेद का वो उच्चारण दैट इज ओनली फोनेटिक्स है, और इतिहास जो है हमारा ऐतिहासिक पक्ष जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। इसके अलावा वेद व्यास के द्वारा जो है रचित पुराण है 18 पुराण है, अष्टादश पुराणों से व्यास सुवचनम स्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, बहुत पुराणों की बड़ी सारी संख्या है। और पुराण जो है हमारे ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। पुराणों में बहुत अलग अलग है, मार्कंडे पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण है, स्कंद पुराण, पुराणों की एक बड़ी संख्या, ये बहुत बाद के हैं सब। ऋग्वेद जो है सबसे पहले का है पूरा, जिसमें किसी जाति वर्ग धर्म की बातें नहीं कही गई हैं। तो ये पुराण जो है, और इन्हीं पुराणों में जो है 10 अवतारों की बातें की गई हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। तो ये देवी पुराण है, पूरे देवी के बारे में विवेचन है। तो पुराणों के अपने अपने अलग जितने पुराण है हमारे, ये पुराणों का है। धर्मशास्त्र जो है हमारा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और पराशर स्मृति, ये हमारे धर्मशास्त्र के पूरे ग्रंथ है, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ हिंदुइज्म। ये हिंदुइज्म के, या ये कहिए कि हमारे जो हिंदू एक दर्शन है, उस दर्शन का कोड अगर कहीं पर है, आचार है, कोड ऑफ एथिक्स अगर है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, पराशर स्मृति में ये कहा गया है, मनुस्मृति ये सब। इसके बाद जो है हमारे षड दर्शन है, 6 दर्शन है पूरे। षड दर्शनों में जो है न्याय है, वैशेषिक है, एक एक ऋषियों के द्वारा एक एक दर्शन लिखे गए हैं, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, आपका सांख, योग है, सांख के जैसे महर्षि कपिल हैं। और एक यहाँ बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे ऋषि जो है किसी एक विषय के आचार्य नहीं होते थे, वो कई विषयों के आचार्य, और सबसे महत्वपूर्ण उनका था वो जीवन के आचार्य में होते थे। आचार्य उनका जीवन का होता था, सभी विषयों को पढ़ा लेते थे। तो ये आचार्य परंपरा की सबसे बड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरी बातें हमें मिलती हैं। हमारे यहाँ उपवेद में, तो जैसे वेद में 4 हो गए, उपवेद भी 4 है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधार वेद है, शिल्प वेद है। आज के जितने भी हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा में उस समय ये उपवेदों के साथ पूरी की पूरी। आयुर्वेद में हेल्थ की बात है, धनुर्वेद में आर्क की बात है, गंधर्व वेद में डांस, म्यूजिक, गीत गायन, संगीत है, हैं? तो ये आर्किटेक्चर जो है स्थान वेद में, मतलब सब में जितने विषय हैं ये हमारे समाहित सब थे। अब वेदास के बारे में विद ज्ञाने विद लाभे, वेद का अर्थ दिया गया है, बहुत सारी इनकी व्याख्या है अलग अलग, और वेद व्यास ने इसकी बहुत सारी वो किया है। ये मंत्र इनको अपौरुषेय कहा गया है, मतलब ये कलेक्शन हुए हैं वाणी के द्वारा, मतलब एक जिसको कहते हैं अलग अलग कालखंड में इनमें जोड़ा गया है, वेदों में जो मंत्र है सब पूरे। तो ऋग्वेद जो है वो मेट्रिकल फार्म ऑफ कार्ल जो है, यजुर्वेद जो है कलेक्शन ऑफ मंत्र ऑफ प्रोज फार्म में है, सामवेद जो है हमारा म्यूजिक फार्म में है, अथर्ववेद जो है ये मंत्रों जो है ऋषि आचार्य जो है इसके अंगिरास हुए थे। तो ये इनके हर वेद के अपने अपने ऋषि हैं एक एक, और जिन्होंने
इसके बाद आता है संहिताएं आती हैं। संहिता एक श्रुति है, एक स्मृति है। उसके पहले संहिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है, वेदों के, जब हम वेदों के मैटर की बात करते हैं तो वेद का जो मैटर है, जो वेद की विषय वस्तु है, वह तीन चीजों पर है। मैंने शुरू में भी बात कही थी, एक है कर्म कांड है, दूसरा है उपासना कांड है, और तीसरा है ज्ञान कांड। वेद का, यह वेद का मैट, जो हमारा कर्म कांड है वो रिचुअल से है, जितना हमारे रिचुअल्स होते हैं। उपासना जो कांड है वो वर्शिप और मेडिटेशन से है, जुड़ा है हमारी जो पूजा पद्धति है और ध्यान है। और ज्ञान कांड जो है ये स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ा है। तो ये तीन चीजें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐतिहासिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको कहते हैं कि रिचुअल, वर्शिप, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल। इसीलिए दुनिया जो है इनकी प्राप्ति के लिए, इनकी, इनमें पारंगत होने के लिए भारत की तरफ रुख करते थे कि भारत की ज्ञान पुष्पूर्ण भूमि में चले, तपोभूमि में, कि जहां पर हमें ये मिले। इसी तरह से हर वेद के चार भाग भी हैं, वेद के तो अंग छह हो गए, वेद के चार पार्ट भी हैं, जिसको कहते हैं भाग। अंग और भाग में अंतर है। अंग तो छह हो गए, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, जो अभी बताया मैंने। और जब हम भाग की कहते हैं, फोर पार्ट्स ऑफ वेदास, इसमें पहला जो है वो संहिता है, जिसको संहिता बोलते हैं, ये वेद का पार्ट है, भाग। दूसरा जो है संहिता के बाद जो है ब्राह्मणास है। ब्राह्मणास ब्राह्मण धर्म से नहीं है, एक ग्रंथ है, ब्राह्मण्स। तीसरा है आरण्यक्स, आरण्यक है। और चौथा है उपनिषद। ये वेद के चार वो हैं, संहिताएं, संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यक और उपनिषद। तो इनके साथ, और इनके चार देवता है। देवता से अर्थ देने वाले के अर्थ में है, आज के इस मूर्ति से संबंध नहीं है उनका। वो देवता है इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र। ये चार देवताओं के साथ इनका जुड़ा हुआ है, तो ये संहिताओं का है। और ऋषि जो है इन मंत्रों का, वेद में जो है ईच मंत्र जो है ऋषियों के अपने अपने हैं, और उन्होंने छंदों के द्वारा जो है इन मंत्रों का वो उच्चारण किया है, वाचन किया है। वेद का अर्थ दिया है द रूट विद टू नो, जानना, अपने को जानना, संसार को जानना है। ये हमारा शरीर जो है यह क्या है, बहुत सारी चीजों के साथ है कि हमारे परापरा के साथ सब पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी चीजें जो है, अब इसके बाद आते हैं कि ये तो सम, अब सम ब्राह्मणाज ऑफ वेदास, वेद के कुछ ब्राह्मण अपने ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद में, ऋग्वेद का अत्रेयी, कौष्टकी और समाख्या। इसी तरह से यजुर्वेद में जो है काशिका, ये है मैत्रेयी एंड तैत्रीय उपनिषद। ये सब इनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के जो है पंचविशा जो है सद्विशी एंड जैमिनी है। अथर्ववेद में गोपथ, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है। आरण्यक जो है ग्रंथ, अभी बात आई थी, आरण्यक का अर्थ होता है अरण्य, जो वनों में लिखे गए, वन में रह करके जहां पर तपस्या ध्यान किया गया। दीज आर द फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स जो है ये उपासना कांड ऑफ वेदास जो है वो आरण्यक के साथ जुड़े हैं। अब इनकी संख्या, इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में जो है वो संहिता पाठ है, पद पाठ है, कर्म पाठ है, जटा पाठ है, घन पाठ है। ये हमारे वेदों की ऋचाएं हैं, जो छात्र करते हैं, शिष्य लोग, वो पाठ के साथ इनके जुड़े हैं। वर्ड वर्ड ये कैसे किया जाता है, रिसाइटेशन मार्क बाय द कैसे हुआ है, उनके बारे में है। अब महत्वपूर्ण है कि उपनिषदों की बात जब हम करते हैं तो 108 उपनिषदों की का हमें उल्लेख मिलता है। 108 उपनिषद। उपनिषद क्या है, ऋषि के पास बैठ कर, ऊपर ऋषि के पास बैठ करके जो ज्ञान उनको, आत्मज्ञान जो उनको ट्रांसफर किया जाता था, जो बोला जाता था इंद्रियों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, विषय के बारे में, विद्याओं के बारे में,
वो उपनिषद में संकलित हुए, और ये जो चारों वेद हैं हमारे, ये भी उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के साथ भी जुड़े हैं और उपनिषदों के साथ। जैसे ऋग्वेद के, ऋग्वेद में 10 उपनिषद है, ऋग्वेद से जुड़े 10 उपनिषद हैं, जिसमें अत्रेय जो है इसमें मुख्य 10 हमें मिलते हैं, 10 उपनिषद 108 में 10 जो है मुख्य उपनिषदों की चर्चा होती है। तो जो हमारा अत्रेय उपनिषद है वो 10 उपनिषदों ऋग्वेद के, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दो भाग हैं हमारे यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद है और कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषद है। और इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद के जो इसमें उपनिषद है, ईशोपास उपनिषद जो है अभी मैंने उस पर बात किया, और बृहदरायण उपनिषद, ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद में जो है कठ उपनिषद और तत्त्रेयी उपनिषद, कठ और कठ तत्त्रेयी उपनिषद। इसके बाद सामवेद जो है हमारा, सामवेद में 16 उपनिषद हैं और 16 उपनिषदों में मुख्य जो है केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है हमारे, छांदोग्य उपनिषद। इसके बाद अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद में जो है 31 उपनिषद हैं, जिसमें प्रश्न है, मुंडको उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। तो ये इस तरह से टोटल जब हम करते हैं तो 108 उपनिषदों की संख्या होती है, जिसमें से 10 जो है 10 मेन हमारे 10 जो है मुख्य उपनिषद वो आते हैं पूरे के पूरे। अब इसके दो एक शब्द और है, श्रुति और स्मृति है। श्रुति और स्मृतियों के बारे में जब बात करते हैं, श्रुति क्या है और स्मृति क्या है। श्रुति जो है व्हाट आई हर्ड, क्या सुना गया, ये प्राइमरी सोर्स है हमारी श्रुतियां, जो सुनकर श्रवण पूरा ज्ञान जो है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐतिहासिक विकास यात्रा में वो सब श्रवण पर ही ज्यादा मिला है, कि ऋषियों ने उनको सुना, उनको जो है वो मंत्रों के द्वारा, ऋषियों दृष्टा मंतारह, उन मंत्रों को मनन किया, सुना। तो श्रुति जो है प्राइमरी अथॉरिटी है, और स्मृति जो है व्हाट रिमेम्बर्ड, इसको कहते हैं सेकेंडरी अथॉरिटी। तो श्रुतियां हैं और स्मृतियां हैं, श्रुति से श्रुतियां बनी हैं और स्मृति से स्मृतियां। श्रुति जो है ये हमारी प्राइमरी अथॉरिटी है और स्मृतियां जो है सेकेंडरी अथॉरिटी है। इसके साथ साथ श्रुति जो है ये वेद के साथ जुड़ी हुई है, सब वेद, वेद तो मेन है उसके, सब ये आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, श्रुतियां, स्मृतियां। अब जैसे श्रुति वेद आज के जो है संहिताएं हैं, संहिताएं निकल है, और इस श्रुति जो है वेद के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, हमने अभी लिटरेरी और नॉन लिटरेरी की बात कही थी। स्मृतियों में, स्मृतियों में वेदांग जो 6 है, और इसके साथ जो है षड दर्शन, हमारे पुराण, इतिहास, उपवेद और धर्मशास्त्र, आगम और उपगम, आगम और ये जितने इतिहास जिसका आज हमारा विषय है, ये हमारे स्मृतियों के साथ है। जो कुछ भी स्मरण किया गया, जो ध्यान के द्वारा जो कुछ याद रहा उनको फिर बांटा गया, तो ये सब ऐतिहासिक वो है। इंडियन कल्चर ऑफ नॉलेज जो है प्रिजर्वेशन, ये कैसे, और हमारे यहाँ से लेकर के बाइबिल है, कुरान है, जिस सब में पूरी बातों को जब रिसर्च के आधार पर, मतलब जो कुछ हमने पाया है, तो बहुत सारे हमारे बाइबिल में हो, कुरान में बातें जो गई है, और गुरु नानक में, हमारे यहाँ की सनातन परंपरा की बहुत सारी बातों को उन्होंने अपने ढंग से वहां पर प्रयोग किया है, दूसरे संदर्भ में, दूसरे अर्थों में। और ये क्रम इतिहास का चलता रहा। आप सबको पता होगा कि जब हम, ये तो थोड़ा सा हमने एक चर्चा किया, रामायण वाल्मीकि का जब कहते हैं महाभारत, तो महाभारत जो है दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म। और इसके बाद जो है एक आगम है,
आगम जो है वर्सिप ऑफ ए पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, बड़े सारे आगम्स जो है, और आगम जो है हमारे द बेसिस ऑफ वर्सिप डाइटीज पर है, जिसमें तीन है इसके आगम के साथ जुड़े हैं, वैष्णव, शैव और शक्ति। वैष्णव जो है वो विष्णु के हैं, विष्णु से जुड़ा हुआ, जिसको वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म के रूप में जोड़ा गया। शैव जो है शिव के साथ जुड़ा है, शैविज्म, और शक्ति जो है जुड़ा है शक्तिज्म। तो वैष्णविज्म के जो आगम है 108, शैव के हैं 28, ये इसके सब उसके हैं, शक्तिज्म के 77 पूरे के पूरे। तो यह किस पर चर्चा है, सब पंच महाभूतों पर वो किया गया है चर्चा। अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्काई है, ये सब चर्चा हमें इन सब में। तो आगम जो है हमारे ये तीन मतलब मेन पूरे अलग अलग उनके साथ जुड़े हैं। यह थोड़ा सा ऐतिहासिक कालखंड है, और जब हम इन सब के वेद वेदांग की मैंने जैसे आपके सामने चर्चा कर दिया पूरा, ऋषियों के द्वारा ये सब रहा, श्रुतियों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपके चर्चा किया, स्मृतियों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, इतिहास और पुराण की जो बात ये महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता, लेकिन हमारे जो 18 पुराण हैं इनमें बहुत सारे कालखंड की बातें कही गई हैं। शायद इसकी जरूरत है हमारे ज्ञान परंपरा में कि इनका अध्ययन अध्यापन होना चाहिए आज के संदर्भ में, और अगर आज के संदर्भ में इनका होता है तो बहुत सारी जानकारी जो है हमें उस कालखंड के साथ साथ इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, इस भारत को, भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत के रूट को, जिस रूट से हम जुड़े हुए हैं, सनातन परंपरा को, और भारत के अनेक विषयों को जो हमारे विषय हैं उनको जानने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्य है कि पाठ्यक्रम में इनको रखा नहीं गया है, और जरूरत है। जरूरी नहीं पूरा पुराण पढ़ाया जाए, पुराण के कुछ अंश को पढ़ाया जाए जो संदर्भित हो समय और काल के अनुसार, समय के अनुसार जिसकी जरूरत है। इसलिए इनको इन महाभारत और इनको पंचम वेदा के रूप में कही है। रामायण वाल्मीकि ने रामायण में बहुत सारी बातें, यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, और महाभारत में वेद व्यास ने बहुत सारी बातें कही, जिसमें भीष्म पर्व और श्रीमद गीता जो देश काल। अब तीन बातें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जब वैदिक काल कहते हैं तो वैदिक काल का जो समय लगभग है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का माना जाता है, और दूसरा कालखंड आता है बौद्ध काल जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 आता है, तीसरा आता है मध्यकाल 1200 से लेकर के मध्यकाल का जो है 1700 का समय आता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक इसके विवेचन में, तो वैदिक काल का सबसे अहम रोल है, और वैदिक काल में वह कालखंड जिसमें ऋग्वेद का संकलन हुआ, रचना हुआ, जो भी नाम आप, इनमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। लोकमान्य तिलक ने इसको 4000 वर्ष से 2500 वर्ष ईसा पूर्व माना है, है? और सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई के अवशेषों से भी हमें लगभग 2500 ईसा पूर्व की बहुत सारी बातें मिलती है। तो ये एक अलग बड़ा एक लंबा क्रम है पूरा। इन वेदों की रचना कब हुई, ऋग्वेद जो है सबसे पहला जो है हमारे यहाँ 2500 वर्ष से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इसका पूरा, जिसको कहते हैं कि वैदिक काल का पूरा वर्चस्व रहा, और इतिहासकार जो है इसी को वैदिक काल का नाम देते हैं। यह कालखंड जो है बहुत समृद्धशाली रहा है ज्ञान परंपरा में, समृद्धि में, और इसमें शिक्षा प्रणाली का बहुत विकास हुआ। ज्ञान का जो है शिक्षा भी दो तरह की इसमें है, मैंने चर्चा यहाँ नहीं की, परा और अपरा की चर्चा की गई है। परा जो है आध्यात्मिक है, अपरा जो है वो हमारा भौतिक है। हम सब जितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सब अपरा, वो सब जो है, और इसमें बहुत जो कुछ चर्चा की गई है शिक्षक आचार्य के बारे में हमारे वेदों में, ऋग्वेद में एक शब्द आया है धियावसु,
दिया वो शिक्षक के बारे में बात आई है कि शिक्षक कैसा हो उसके गुणों की चर्चा की गई है। धिया वशु, धिया वशु का अर्थ है जिनकी बुद्धि ही धन है। आचार्य को माना जाता था कि उनकी बुद्धि ही धन है, मतलब वेल्थ जो है उनका वो बुद्धि है। दूसरा अध्यापक के लिए एक शब्द आया है सत्य जन्मा। सत्य जन्मा को जिसको कहा गया है सत्य को जानने वाला, आचार्य ऐसे होते थे जो सत्य को जानने वाले होते थे। तीसरा है विश्ववेदा, विश्ववेदा का अर्थ है यहां सर्वज्ञ से, विश्ववेद से मतलब वेद से नहीं सर्वज्ञ। तो ये तीन शब्द जो है आचार्य के लिए है, आचार्य परंपरा के, जो हमें ऋग्वेद से मिल रहा है। धिया वशु जिसकी बुद्धि धन है, सत्य जन्मा जो सत्य को जानने वाला है, और विश्ववेदा। शिष्य के लिए भी तीन वो आए हैं, बाकी हमारे गुरुकुल सिस्टम में आपके सेशन है बहुत सारे, तीन हमें मिलते हैं, एक रुद्र, एक आदित्य, और एक आया है जो है नहीं पहला आया है वशु, रुद्र और आदित्य। 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेता था तो उसको वशु की उपाधि मिलती थी, पाठ्यक्रम जब पूर्ण कर लेता था। और जब वह 36 वर्ष में पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता था तो उसको रुद्र की उपाधि, रुद्र शिष्य कहा जाता था। और 48 वर्ष जब वह पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण करता था तो उसको जो है आदित्य कहा जाता था। तो जैसे आचार्य के लिए कहा गया है, शिष्य के लिए भी था कि वशु, रुद्र और आदित्य। ये हमें ऋग्वेद के कालखंड में भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज जो हम पाठ्यक्रम की जो बात करते हैं 4 वर्षीय 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में, उस समय जो है देखिए कि 12 वर्ष 24 वर्ष और 12 वर्ष और 36 वर्ष और 48 वर्ष की पूरी शिक्षा और विद्या का, जिसके हमें विवरण जो मिलते हैं, पूरी परीक्षा मौखिक होती थी। शिक्षा केंद्र में सबको पता होगा कि तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी, कांची ये सब थे। ये मैं वैदिक काल के समय की बात कर रहा हूँ, और जब नालंदा की बात करेंगे तो बौद्ध काल में आ जाएगा, तब वो उत्तर वैदिक काल का समय आ जाता है। तो पूरा वैदिक कालीन जो शिक्षा है, ज्ञान परंपरा ऐतिहासिक जो है हमारा, वो पूरा ज्ञान परंपरा का आधार है, और श्रेष्ठतम शिक्षा की बात चल रही है, श्रेष्ठ जीवन की बात चल रही है पूरी। 500 ईसा पूर्व से 1200 में जब आते हैं बौद्ध काल में, आप सबको पता होगा 563 ईसा पूर्व में गौतम शाक्य कुल में राजा के पुत्र, मतलब पूरा बुद्ध का जो चलता है बौद्ध धर्म जो है, वो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक पूरा रहा। और जितने भी हमारे गुरुकुल परंपरा थी, आश्रम व्यवस्था थी, ये फिर मठ और बौद्ध विहार संघ के नियंत्रण में आ गए। तो पूरा बौद्ध का एक, जिसमें प्रेम करुणा इस पर बात चलने लगी, जहां पर वैदिक परंपरा में हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार हो रहा है, विद्यारंभ समावर्तन है, यहाँ पर पवज्जा उपसंपदा हो गई, शिष्य वहां कहला रहे हैं, यहाँ पर शिष्य जो है भिक्खु हो गया और सामनेर हो गया। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और पूरी भाषा जो वहां, जहां पर संस्कृत लोक हमारी वैदिक व्याकरण के आधार पर थे, यहाँ पर पाली भाषा जो है पाली हो गई। और वेनसांग ने बौद्ध काल में जो है यात्रा का वर्णन किया है कि हर शिष्य को बौद्ध काल में 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। वो 10 नियम है अलग अलग, शिक्षार्थी जो है श्रमण और सामनेर कहलाता था। यहाँ भी मौखिक परीक्षाएं होती थी। बहुत सारे विदुषी नारियों का भी वर्णन किया गया है, हमारे ऋग्वेद में भी है और इसमें भी है। तो ये बहुत सारे हमें प्रमाण मिलते हैं। बाकी तक्षशिला की बात जब करते हैं तो तक्षशिला जो है शिल्प का विश्वविद्यालय था, 10 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर तक्ष जो है, ये वाल्मीकि रामायण में भरत के पुत्र के जो थे उनके तक्ष पर जो है के नाम पर यह जो है नगर बसाया गया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये था पूरा, यहीं पर वैद्य धन्वंतरी, चरक, शल्य चिकित्सक जो है जीवक और सुश्रुत ने शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत की जो है 36 जो है वो पूरा का पूरा जो है एक उन्होंने विवरण दिया है, और चरक ने अपना
तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था अपने समय का, वो चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में बहुत माना जाता था। इसी तरह से नालंदा जो है बौद्ध काल का जो समय रहता है, नालंदा का जो समय है वो 550 ईसा पूर्व से लगभग 450 ईसा पूर्व के बीच में, और ये आपके पाटिल पुत्र से आगे मतलब लगभग वो 1000 वर्ष तक इसका पूरा हो रहा नालंदा का। फाहियान ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारा आवरण किया है। यहाँ की सबसे प्रमुख थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसके 3 भवन थे, रत्नसार, रत्नोदय और रत्नरंजक, जिसमें ये बड़े भवन थे और हमारे इसके पुस्तकालय क्यों थे। रत्नसार में जो है सभी धर्मों की पुस्तकें थी, दुनिया के जितने धर्म थे सभी धर्मों की पुस्तकें जो है रत्नसार में थी। रत्नोदय में जो है विज्ञान से संबंधित जितने भी विज्ञान के डिसिप्लिन जितने हैं सब की पुस्तकें उसमें थी, और रत्नरंजक में जो है सभी कलाओं की पुस्तकें थी, कला और शिल्प कलाओं की। तो ये बड़ा सारा, और शीलभद्र इसके वो थे, कुलपति थे। नागा हुएन सांग ने किया है। नागार्जुन जो है बहुत बड़े केमिस्ट्री के वो थे, जिन्होंने वो लगभग और इनका बड़ा वो दिया। इसी तरह से विक्रम विश्वविद्यालय, ये क्रम चला है हमारे ज्ञान परंपरा का ऐतिहासिक, इसमें पूरा वो देना मतलब वो है। तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये अपने समय के मतलब वो रहे, ये दोनों बौद्ध काल के समय के वो रहे हैं पूरे। मध्य काल में जब हम आते हैं तो बाहर मध्य काल के इतिहास में ज्ञान परंपरा के संदर्भ में हमारे यहाँ आक्रमण ही होता रहा, और वो समय है 1200 से लेकर के लगभग 1700 ईस्वी में। सबसे पहले पर्सिया ईरान से का राजा साइरस आता है, समय अभाव है यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारे आदरणीय धनंजय जी ने चर्चा किया था सिकंदर का, तो जो है राजा सिकंदर जो है 327 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, बाद में फिर वो लौट जाता है। और इसके बाद 5वीं शताब्दी के उत्तर हूणों का आक्रमण होता है इस देश में, बहुत नुकसान होता है, लेकिन गुप्त काल में सब ये सब को खदेड़ दिया गया समय से। बाद में देश में बड़े सारे आक्रमण रहे, और यहीं के राजा लोग दूसरे राजा को हराने के लिए बाहर के लोगों से वो करके बुलाते रहे। और सबसे जो है 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है, और मोहम्मद गोरी जो है सब आपको इतिहास का सब पता है, सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ है कालखंड की जो बातें हम करते हैं। बाद में हिंदू राजा पृथ्वीराज को वो फिर लेकर जाता है, इस तरह से फिर आगे चल करके मुगल वंश का क्रम चलता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे वो आए पूरा, और जिसका वर्ण जो है अलग अलग, उसमें जो है मध्य काल में जो है जहाँ पर आश्रम और गुरु आचार्य था, जहाँ पर बौद्ध काल में भिक्खु और मठ और संघ की बात थी, और जब मध्य काल में आते हैं तो यहाँ पर जहाँ संस्कृति थी और यहाँ पूरा का पूरा एक विषय ही बदल जाता है, अरबी फारसी का समय चल जाता है, मक्तब मदरसों का शुरू हो जाता है, गुरु आचार्य की जगह भिक्खु की जगह यहाँ पर जो है उस्ताद हो जाता है, शिष्य शागिर्द हो जाता है। ये बड़ा एक क्रम पूरा चलता है। अब इन सब का वर्ण जो है इब्न बतूता ने बहुत सारा वर्ण किया है कि मदरसे और इन सब में कैसे कैसे, और फिर इसके बाद हमारा ब्रिटिश काल आता है। तो ये थोड़ी सी ऐतिहासिक परंपरा रही है। और वैदिक काल, जब पूर्व वैदिक काल की हम बात करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे ऐतिहासिक कालखंड में। एक है कुटुंब, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विष और है जल। पूरा ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक जिसमें ऋग्वेद की जिसमें मतलब हुए लगभग, ऋग्वेद का समय 3000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, इतिहासकारों ने अलग अलग वो किया है। कुटुंब जो था परिवार के रूप में पितृसत्तात्मक, और कुटुंब के प्रधान को जो है गृहपति कहा जाता था, ऐसा वर्ण मिलता है। गृहपति जो होता था वंशानुक्रम होता था, और शायद वही परंपरा आज हमारे उत्तर भारत में अभी भी चली आ रही है। और पिता के बाद जो है वह पद ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है, आज भी ये चल रहा है। ग्राम, कई कुटुंब मिलाकर के ग्राम होते थे, और ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी।
यह राजा के द्वारा दिया जाता था पद उसको। फिर आया है विष शब्द आया है, विष जो है कई ग्रामों को मिला करके विष होता था, और विष का जो प्रधान होता था विषपति कहलाता था, विषपति विषपति। इसके बाद एक शब्द और आया है जन, कई विष को मिला करके जन का निर्माण होता था, जन का रक्षक जो होता था वह गोप कहलाता था, शासक होता था गोप, और प्राय ये स्वयं राजा होते थे। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कि गोप जन का रक्षक था तथा राजन जो है जन का शासक होता था। ये ऋग वैदिक काल में हमें इतिहास परंपरा में बातें मिलती है। एक और शब्द आता है राष्ट्र, संपूर्ण देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था, और राष्ट्र संघात संघनात जो है संघात्मक था। ऋग्वेद में हमें कई स्थानों पर गण शब्द का प्रयोग मिलता है, और वहीं से हमने गणराज शब्द लिया है जो भारतीय संविधान में लिया गया है पूरा। राजा जो होता था वो राजनीतिक व्यवस्था का राजतंत्रात्मक पूरा था। ऋग्वेद में अनेक राजाओं का उल्लेख है, और यह पद वंशानुक्रम होता था पूरा। जैसे आजकल चुनाव जीतने के बाद शपथ समारोह होता है, वैसे उस समय राज्याभिषेक होता था, उसके कर्तव्य शपथ, उसी परंपरा को। राज्य की पदाधिकारियों में हमें सेनापति पुरोहित, पुरोहित धर्मगुरु होता था, और पुरोहित का जो कार्यालय पुरोहिती कहलाता था, और उनको पुरोध शब्द आया है वेदों में, वर्ण आया है हमें। तो ये बड़े सारे और शब्द आते हैं ऋग्वेद में, ग्रामणी, सूत, रथकार, कर्मकार, ये सब बड़े, रत्नी, ये बड़े सारे शब्द हमें मिलते हैं। एक शब्द आया है स्पर्श, स्पर्श का अर्थ है गुप्तचर से था। दूत जो है राजनैतिक कार्य, पूरब एक शब्द आया है, पूरब ये दुर्गपति कहलाते थे। इसी तरह से न्याय व्यवस्था, युद्ध प्रणाली, दैनिक व्यवस्था और विवाह, स्त्रियों की दशा है, ये बड़ी सारी, श्रम विभाजन बहुत सारा हमें मिलता है। श्रम विभाजन में हमें जो शब्द मिलते हैं ऋग्वेद में, तक्षक बढ़ई के लिए, हिरणकार सुनार, कर्मकार जो है लोहार, बाय जुलाहे तसर करघे, ये सब नाम मिलते हैं ऋग्वेद में। तो ये बहुत सारे ऋग्वेद में पूरा का पूरा पुनर्जन्म की व्यवस्था की बात मिलती है हमें, धर्म कर्म दर्शन ये सब चीजों का। और जैसे हम उत्तर वैदिक पीरियड में चलते हैं, तो उत्तर वैदिक पीरियड में आर्य सभ्यता का जो है विस्तार हो जाता है। आर्यजन, आर्य बाहर के थे, यहाँ के थे, तो बाहर का नहीं। जैसे अगर कोई दिल्ली में रह रहा है और कोई मान लीजिए रह रहा है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु वाला बाहरी नहीं कहलाएगा। तो आर्याखंड जम्मू द्वीप का क्षेत्र इतना व्यापक था कि वही मतलब वो सब इन संहिताओं का उत्तर वैदिक काल जो है पूरा, जिसमें हमारा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद रचित किए गए, यह संहिताओं का युग कहलाता है। यही दोनों में अंतर करने का समय है। तो ऋग्वेद के अतिरिक्त ये जितने हैं हमारे, जितमें आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ जो चर्चा हमने अभी की थी, ये सब उत्तर वैदिक समय। और इसी समय विस्तारवादी नीति में विशाल साम्राज्यों का जो है शुरुआत हुआ उत्तर वैदिक काल में। इसमें कई राज्यों की चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक काल में, जो संहिताओं का युग है, आरण्यक है, उपनिषद है ना, ये सब जो रचित किए गए, कुरु राज्य, पांचाल, कौशल, काशी, कैके, गांधार, इनके सबके राजा हैं। कुरु राज्य के जो है परीक्षित राजा थे, पांचाल राज्य में जो है जावाली पांचाल के मिलता है, सब इनका क्षेत्र है, सब बनाया गया है। कौशल राज्य जो है अयोध्या का, जिसको हम नाम देते हैं, इक्ष्वाक वंश के थे, अवध का क्षेत्र। काशी जो है यहाँ ब्रह्मदत्ती है। कैकेयी राज्य जो है गुजरात और ये जो है कश्मीर का क्षेत्र पूरा। गांधार राज्य जो है ये तक्षशिला और जिस गंधारी जहाँ से जुड़ी रही, ये सब उत्तर वैदिक काल के हमें वो मिलते हैं। बहुत सारे अन्य राज्य भी मिलते हैं, और इनमें बहुत सारे हमें जो है पदाधिकारियों का, पाणिनि ने जैसे वो किया है, राज्य का प्रमुख अधिकारी जो है रक्षिण, यहाँ बदल जा रहा है पूरा का पूरा। नाम दिया है कुछ इन्होंने, सेनापति, संग्राही, कोषाध्यक्ष को कहते थे। इसी तरह सूत एक शब्द आया है कर वसूल करने वाले को,
इसी तरह से अच्छा व्यय आय व्यय का विवरण करने वाले पाला गख शब्द आया है, दूत का संदेश वाहक आया है, दौवारिक शब्द आया है, द्वार का प्रमुख प्रहरी आया है, हैं? तो ये कुछ आया है उत्तर वैदिक समय में। ग्राम वादनी एक शब्द मिलता है, ग्रामों का साधारण मामलों का फैसला करने वाले को ग्राम वादनी कहा जाता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में बहुत सारा विकास हुआ है, हमारे शीशा तांबा लोहा वस्त्र निर्माण ये सब चीजें शुरू हो गई। तो व्यापार में जो है, व्यापार के में एक संहिता है उसका नाम है वाजनेयी संहिता, ऋग्वेद की वाजनेयी संहिता में, और तैत्रीय ब्राह्मण में जो है वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। और इसमें कहा गया है कि स्थल जल मार्ग से जो है विदेशों से व्यापार होता था। मुद्रा का भी उत्तर वैदिक काल में मुद्राओं का जन्म हो चुका था, मुद्राओं का पूरा मिलता है। निष्क शब्द आया है एक शतपथ ब्राह्मण में, सतमान का उल्लेख किया गया है, एक जिसको कहते हैं धातु की मुद्रा प्रणाली जो है, ये सब पूरे। इसी तरह से पाठ्य विषयों में जो है देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, देवजन विद्या, कल्प कला, तर्क शास्त्र, ये सब जो है। और सामाजिक जीवन में भी बहुत सारा आहार भी आता है, बहुत सारे नाम है, सूत्रों की रचना की गई बहुत सारे। तो ये पूरे के पूरे जो है उत्तर वैदिक में, इस उत्तर वैदिक काल में जो है गार्गी सुलभा वैत्रेयी वड़वा वाचनेयी, ये कुछ विदेशी नारियों का भी जिक्र होता है। गौतम सूत्र में जो है बौधायन सूत्र में बहुत सारा इसका विवरण हमें मिलता है। ये कुछ ऐतिहासिक कालखंड हैं, ऐतिहासिक कालखंड में हमें मिलता है। तो इसके बाद अगर हम विश्व गुरु परंपरा की बात आए तो शून्य का आविष्कार जो है, ये हमारे शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, दशांश पद्धति जो है मेधातिथि ने किया था, भास्कराचार्य जो है सिद्धांत शिरोमणि इन्होंने ग्रंथ लिखा जिन्होंने भूगर्भ शास्त्र के और गुरुत्वाकर्षण के बारे में, बल्कि श्रेय जो है मिला न्यूटन को। बोधायन ने जो है आपस्तम सूल में जो है रेखा गणित की बात कही है, कणाद ने जो है परमाणु की बात कही गई कहा है, भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व की बात कही, चरक ने जो है 200 ईसा पूर्व में औषधि के बारे में चर्चा की है, नागार्जुन जो है रस हृदय आरोग्य मंजरी योग सार योगाष्टम ये इन ग्रंथों की रचना की, सुश्रुत संहिता जो है शल्य के 124 उन्होंने जो है उपकरणों का किया था, महर्षि अगस्त ने जो है विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। बात मतलब ये क्रम पूरा का पूरा, जब इसके 18वीं शताब्दी तक भारत जो है हम ज्ञान विज्ञान में बहुत अग्रगणी थे, और अंगुश मेडिसिन ने लिखा है इस बात को, और बार बार जे एस स्मिथ और कहते हैं 1795 में भारत जो है विश्व के औद्योगिक उत्पाद का जो है 25% भाग उत्पन्न करता था। तो ये एक पूरा का पूरा हमें एक विवरण मिलता है, भारत की संत परंपरा, भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की गुरु परंपरा है, ये सब चीजें हमें यही मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा का जो इतिहास है, तो कालखंड है जो इसकी विकास यात्रा है वो बहुत हो रही है। हिंदी संस्कृत जिस भी भारत संस्कृत से ही वैदिक वाणी लगभग 56 जो है वो भाषाएं इससे जन्म ली। हमारे यहाँ लोक कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला और बहुत सारे चित्रकला, बहुत सारे ग्रंथों का जो है वो हुआ है। और इसी में जो बात अंत में मूल हमारे ऋषियों का जो वचन है, आत्मत सर्वभूतेषु अहम् ब्रह्माष्मि तत्त्वमसि यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे वसुधैव कुटुम्बकम्, इन शब्दों का जो उन्होंने एक दिया है, और अंत में बात वही आती है हमारे ऋषियों का, हमारे उपनिषदों का ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्भवेत्। तो यह है भारतीय ज्ञान परंपरा की जो ऐतिहासिक विकास यात्रा है, बहुत बड़ी है, बड़ी लंबी है,
कहाँ से कहाँ क्या बात शुरू की जाए, ये सब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर आपके आपके परमिशन से एक दो क्वेश्चंस हम लेना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर लीजिए। रजनी मैम अगर आप सुन रहे हो तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे। रजनी मैम पवन जी अगर आप सुन पा रहे हो तो आपने हैंड रेज किया हुआ है। चांद सर भारद्वाज सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे। ये पीपीटी मुझे लगता है ये पूरा जी मैं चाहूंगा पीपीटी पूरा हाँ ये पीपीटी मैं पीपीटी पूरा दिखा नहीं पाया शायद ये अब शायद बीच में हो गया था है ना। ये मैंने जितनी बातें कही सब इसमें लिखा हुआ है। हाँ बोले पूछिए जी। मैं पाठक जी मेरे प्रार्थना है कि हम लोग ये ज्ञान गंगा में अगर हम शुरू करें कि एकम बहु श्याम से कि किस प्रकार ब्रह्मांड बना और उसमें वैदिक फिजिक्स का कुछ जिक्र हो और किस प्रकार धरती बनी कैसे जीव आया और कैसे हम 84 लाख जोनियों से होते हुए मनुष्य शरीर में आए और किस प्रकार हम सेल्फिश बन गए शरीर लेने पर और किस प्रकार हमें सेल्फिश से सेल्फलेस का जो विषय है कि वो सेवा भाव कैसे सब में आए बच्चों में। तो शिक्षक लोग अगर इस विषय को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि समग्र ज्ञान उसमें समाहित होगा क्योंकि ये सब बिल्कुल विद्यमान है। बिल्कुल देखिए मैं जो आपने फिजिक्स की बात कही आपने मैं चाहता हूं कि अगर भास्कराचार्य की आप सिद्धांत शिरोमणि पढ़ लें मिल जाएगी अगर इसका अनुवाद मिल जाए बड़ौदा की लाइब्रेरी में जो है और वहां पुणे की लाइब्रेरी में है तो इसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। अब दूसरा प्रश्न जुड़ा है कि काश जो समय चल रहा है कि हमारे शिष्य या लोगों में कैसे समरसता आ जाए कैसे जो है सेवा भावना आ जाए कैसे जो है करुणा की भावना पैदा हो ये सब स्रोत सूख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं हमें पेरेंटल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अपने घरों में जो हमारी नीति के वचन हैं जो हमारे और जो उपनिषद की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं गीता प्रेस के द्वारा अगर उनका पठन पाठन उनका वाचन को शुरू हो तो वो सुन करके बच्चों में आ सकता है मुझे लगता है। और फिर जब इनको अगर हम अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत स्थान एकाएक तो पूरा दे नहीं सकते हैं हम तो मुझे लगता है तभी होगा क्योंकि कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी हमें। मैं एक बहुत अच्छा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है गीता का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए जिसको जानने के उपरांत कुछ भी बाकी ना रह जाए सिवाय उस ज्ञान के अनुसार जीना और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना। तो अगर हम समाहित करके संक्षिप्त में इस ये सब टीचर्स को मालूम हो और फिर ये स्टूडेंट्स को किस प्रकार जाए और उसमें सभी चर्चाएं हो जाएंगी कि किस प्रकार ब्रह्मांड बना और किस प्रकार हम लोग यहाँ हैं और किस प्रकार ये जगत मिथ्या है ये हायर एजुकेशन में शुरू में तो नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन हाईएस्ट लेवल में तो ये कहेंगे कि ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है तो किस प्रकार ये सब चीजें जुड़ेंगी तो इस पर कुछ वैज्ञानिक अध्ययन हम लोगों ने किया है तो वो हम आपसे शेयर करेंगे जी। और नहीं नहीं बिल्कुल ब्रह्म सत्यम वो तो जो कहा है ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो हायर हाँ ये सब होना चाहिए। बस बात ये रहा कि 500 मतलब आप ये देखिए कि लगभग 500 वर्ष वो और लगभग ये भी 300-400 वर्ष का समय कई इस कालखंड में जो हमारी ज्ञान परंपरा या ये कहिए जो ये विद्याएं थी सब इनको कहीं पर रखा नहीं गया पाठ्यक्रम में लाया नहीं गया। अब बहुत देर से सोचा गया है लेकिन अभी भी अगर शुरुआत की जाए तो मैकाले का मैकालेकरण नहीं गया है और अब खैर इन सब की निंदा बात करने की जरूरत नहीं है जरूरत यही है कि हम अपने रूट से कैसे जुड़े हैं बस। जी 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 तो पाठक जी अपने मैं चाहूंगा कि आपसे मेरी वार्तालाप हो
तो त्रिशला जी के थ्रू मुझे अवश्य जाएंगे तो मैं इस विषय पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। थैंक यू। कोई और प्रश्न किसी का जरूर पूछे, अच्छी बात। विजय सर। हाँ सर नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। सर मेरा क्वेश्चन था कि कैसे जैसे रामायण और महाभारत पॉपुलर ग्रंथ बने, तो क्या वेद भी, वेदों के ऊपर भी कुछ इस तरह का काम होना नहीं चाहिए था कि वो भी इतना पॉपुलर बने? देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वेद जो है ना, मैंने कहा कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन है, और बाकी तीनों वेद जो है उत्तर वैदिक काल में बहुत बाद में उनका संकलन हुआ है। रामायण की जब बात करते हैं तो रामायण पॉपुलर उतना नहीं हुआ जितना रामचरितमानस पॉपुलर हुआ। उसका कारण यह है कि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है और तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है लोक भाषा कहिए या हिंदी में जो कहिए करके पॉपुलर कर दिया। वेदों के जितने संहिताएं हैं, जितने इनके मतलब अलग अलग ऊपर, अगर इनका विषय गीता प्रश्न है बहुत सारी बातों को, लेकिन पढ़ने की बात है ना, पढ़ा नहीं गया। तो वेदों की बड़ी सारी बातों को गीता प्रश्न ने प्रयास किया है। आचार्य श्री राम शर्मा जो है, ये आपके हरिद्वार जो है, इसी तरह से अजमेर है, पुणे शोध संस्थान है, इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन ये आर्य समाज तक ही रह गया, आर्य समाज के बाहर नहीं जा पाया ये हमारे मतलब। तो ये एक रुचि हो, एक पाठक उसके तैयार हो पढ़ने वाले। दूसरी बात यह है कि इनको किस सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि लोग समझ सकें, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, और सामग्री भी उपलब्ध हो, पुस्तकालय हो, तो कई चीजें हमें तैयार करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत घर से ही होगी। आप किसी भी आर्य समाज से अगर जुड़िए तो वहां पर यज्ञ और वेद की बात जरूर होगी। मैं आर्य समाज को फॉलो करता हूं सर। लेकिन इसके अलावा और कहीं चर्चा नहीं होती है, इसके अलावा नहीं होती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि दयानंद ही थोड़ी इसके वो थे। दयानंद ने तो ये कहा कि जनमानस में यही सत्य है, सत्यम वेदम है। यज्ञ को यज्ञ भगवान के रूप में किया जाए कि पर्यावरण जो है शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, मनसा वाचा कर्मणा से हम शुद्ध होंगे, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन चल नहीं पाया ना, लोगों ने अपनाया नहीं, और उसके पीछे कारण रहा कि हम दास थे, हमें तो हमेशा एक एक आक्रमणकारी आ रहे हैं, और हमेशा स्थिति कैसी रही है वो तो कालखंड को इतिहास में आप देखिए। तो जरूरत आज ऐसी है कि सनातन परंपरा को, हमारे वैदिक वांग्मय को और भारतीय ज्ञान परंपरा के रूट को पकड़ने के लिए जरूरत है कि अपनी पुरानी जड़ों, पुराने संस्कार को, हिंदू दर्शन जो है, हमारे जो हिंदू दर्शन के साथ हिंदू जो एक प्रणाली है पूरा, इस सिस्टम को भी जाने। नए पाठ्यक्रम में कोई बच्चा नहीं जानता है कि वार क्या क्या है, दिशाओं के बारे में क्या है, हमारे जो है राशियों के बारे में क्या है। ये अब हम मान लेते हैं ज्योतिष का विषय है, ऐसा नहीं है। तो ये सब जरूरत है, जो छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है कि शुरुआत है, सरकार ने किया है। सर इसीलिए हम जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को एज ए कोर्स में अपनी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया है। बिल्कुल। और लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ बुक्स अगर उनका मिल जाए हमें, जो रेफरेंस की कौन सी बुक्स हम यूज करें, तो अगर आप कुछ सोर्स अगर में। नहीं नहीं, इनके देखिए वेदों को पढ़ने के लिए जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो जरूरी है कि उनका हिंदी अनुवाद जब मिले। तो मैंने देखा है कि हिंदी अनुवाद का बड़ा सरलीकरण जो है आचार्य श्री राम शर्मा शांति कुंज हरिद्वार ने किया है ना, और चारों वेदों का, उपनिषदों का ये सब है। बाकी वैसे तो हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ के पुस्तकालय में है, लेकिन वो वेद को पढ़ने के लिए इस संस्कृत, उसके लिए वैदिक व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेद के शब्द जो मंत्र है ना वो बिना वैदिक व्याकरण को जाने सीखे जो है इनको नहीं समझ सकता है। तो उनका अनुवाद अगर मिल जाता है तो अनुवाद से व्यक्ति समझ लेगा, और सबसे अच्छा है कि उपनिषदों को पढ़े आदमी, सबसे अच्छा है कि भगवत गीता को पढ़े, फिर भगवत गीता के बड़ी सारी टीकाएं लिखी गई हैं उनको पढ़े। तो ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ना, कहाँ से शुरू किया जाए। शिक्षा के जो लोग हैं, विज्ञान को अगर पढ़ना है पूरा का पूरा, तो हमें, मैंने अभी चर्चा किया कि जैसे फिजिक्स के जो लोग हैं उनको भास्कराचार्य की जो है सिद्धांत श्रोमण पुस्तक है उनकी वो पढ़नी चाहिए। जो मैथमेटिक्स के हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, उनको बोधायन का जो है ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और
जो फिजिक्स के और भी एटॉमिक थियरी के हैं, जो हिग्स बोसान की जिसकी चर्चा हुई थी और सबका, तो हम उनको कणाद का जो है पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो लोग हैं उनको भारत द्वाज की जो है यंत्र सर्वस्व पुस्तक है, उसको जरूर देखें वो। और इसी तरह से जो एस्ट्रोनॉमी के लोग हैं, नक्षत्र फिजिक्स से जुड़ा ये भी है, उनको आर्यभट्टी ग्रंथ है इनका, आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र का, उनको देखना चाहिए। केमिस्ट्री के जो लोग हैं, रसायन विज्ञान के जो लोग हैं और औषधि से जुड़े लोग हैं, उन मैंने अभी चर्चा किया था, नागार्जुन की पुस्तक है, तीन चार पुस्तकें हैं इनकी मौलिक, आरोग्य मंजरी और योग सार, योगाष्टक, ये सब देखना। तो अब प्रश्न ये है कि इन सब पुस्तकों को जब देखें तो अपने विषय का उनके साथ, एक गुप्त पीरियड में मैं सब चर्चा नहीं कर पाया, विक्रमादित्य के नौ रत्नों में एक रत्न थे, उनका नाम था बराह मिहिर, बहुत बाद का समय है बराह मिहिर का। तो बराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका एक पुस्तक लिखी है, एक बृहद संहिता पुस्तक लिखी है, और पाणी शास्त्र उनको ये किताबें और पूरा का पूरा इनको देखने की जरूरत है। विद्युत बैटरी को डेनियल का हम पूरा पढ़ते हैं, अगस्त संहिता को नहीं देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले विद्युत बैटरी बनाई थी। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का जो है हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद में जो है सबसे पहले धन्वंतरी ने वो किया था, और धन्वंतरी का जो है पूरा आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसमें है। एक वाग्भट हुए हैं, वाग्भट ने जो है हृदयागस्तम, उन्होंने रस रत्न समुचे पुस्तक लिखी है, बहुत सारा जिसका जो है विवरण रामदेव जी और ये चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि को हम केवल योग शास्त्र का मानते हैं, कष्टांग योग, महर्षि पतंजलि, इनकी एक किताब लौह शास्त्रम भी है, आयरन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चा। तो ये सब पुस्तकें अगर जो जिस विषय से है, अपने विषय रुचि की इन मौलिक किताबों को अगर मिलता है, पढ़ता है अगर, अब अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले माल्थस से शुरू करते हैं, चाणक्य की कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र नहीं देखते हैं, नीतियों के बारे में हमें विदुर नीति है, इनको देखने की जरूरत तो है, बहुत सारी चीजें। अब बस वही है कि इन सबको हम लोगों को भी अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाया नहीं गया, जाने नहीं, तो अब ये सब नई चीजें लग रही है जी। और जो कुछ है पूरा लोगों ने इस पर लिखा है, हमें जरूरत है कि मौलिक किताबें, मौलिक ग्रंथ मिल जाए और कोई ऐसा गुरु मिले जो इस विषय का विशेषज्ञ हो, तो सही ज़िए। ज़िए। इसमें भी आधा अधूरा ज्ञान परोसा जा रहा है, बासी जैसे ज्ञान भी तो बासी परोसा जा रहा है ना, आप मानते होंगे इस बात को। तो पाठक जी, मैं ये पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये है वैदिक फिजिक्स, और डॉक्टर विजय कुमार भी इसको देख लें, और ये वैदिक फिजिक्स को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है केशव देव वर्मा जी ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी किताब है। शरीर छोड़ दिया है लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें मॉडर्न प्रदर्शित किया गया। सर अगर आपकी अनुमति हो तो हम एक अंतिम प्रश्न और ले ले। हाँ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अनुमति है। ठीक है सर, पवन मलिक जी आप सुन पा रहे हैं? कोई और है जो अपना प्रश्न सर के समक्ष रखना चाहते हैं? यस मैम, आई वांट टू आस्क। ओके मेधा जी आप पहले बोलिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रणाम टू ऑल एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। सर जैसे कि मैं भी अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की को बहुत उच्च कोटि का मानती हूँ, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हमारी आज की यूथ, हमारी आज की यंगर जनरेशन है जो वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर की ओर बहुत ज्यादा जिसको फॉलो कर रही है, उसको बहुत ज्यादा उस ओर अग्रसरित हो रही है,
तो उन्हें हम अपने ओल्ड कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से कैसे जोड़ें? जब हम बात करते हैं तो जब उन्हें बात करो तो इस टाइप की कुछ बातें आध्यात्मिक, कुछ अपनी जड़ों की बातें करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसे हमारी प्रोग्रेस होगी? तो हम उन्हें कैसे जोड़ें, कैसे मोटिवेट करें उन्हें अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से, अपने भारतीय परंपरा, अपने वेद, इन उपनिषद, इन सब से कैसे जोड़ें? सर, एनी सजेशन प्लीज सर। ये प्रश्न है जैसे आपने पूछा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर भी आपके पास ही होगा इसका, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कर दूं। कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बात थी सादा जीवन उच्च विचार था, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने सुना होगा ना, संतोषम परम सुखम की बात कही गई है। हम जब मानव, जब मशीन का रिश्ता जब हो जाता है ना, तो वेदना संवेदना खत्म होने लगती है। हमारा जो जीवन चल रहा है भौतिक, जिसको मैटेरियल लाइफ में मैटर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, पद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, व्यक्ति छोटा हो गया, तो अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए सबसे शुरुआत है घर से है। घर में क्या क्या चीजें शुरू हो सकती हैं, जीवन जीने का तरीका है, हमें आयुर्वेद में जो कुछ बातें बताई गई, जहां से कुछ मिले उसका पालन करें। हम थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है, भागते हैं डॉक्टर के पास, एलोपैथी दवा ले लेते हैं, है ना। कोशिश ये करें कि हम काढ़ा की देखिए, कोरोना आया और कोरोना में भारत हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम किस तरह से रहा पूरा, ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा हो, लेकिन पहले भी जीते रहे। अगर तीसरी चौथी पीढ़ी अपने पिता के पक्ष और माँ के पक्ष को गिनिए, विकास, जिस विकास की हम बात कर रहे हैं दुनिया में, भारत में आज के 40-50 साल पहले बाजार में, छोटे शहरों में या गांव में बहुत कम डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। वैद्य परंपरा खत्म हो गई, नाड़ी देख करके जो करते थे, आयुर्वेद पर विश्वास कम रहा हमारा, एलोपैथ पर। तो हमें कहीं ना कहीं अपने विश्वास को भी जोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें ये जरूर, खान पान की पद्धति क्या आ गई, आओ आप ये देखिए पिज्जा बर्गर ऐसे जीवन में अच्छी है बात, बुरी नहीं है, लेकिन एक सीमा तक। होता क्या है, मानव स्वभाव ऐसा है कि हमारी जब कोई चीज जब बाहर से आती है तो हम उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अपने यहाँ की घर की मूली घास बराबर है। गंगा में स्नान करने वाले जो गंगा के किनारे रहते हैं, रोजाना नहीं जाते हैं, वो मान के चलते हैं कि उनकी टोटी में गंगा का पानी आ रहा है, बाहर वाले। तो ये कहीं ना कहीं हमें पैटर्न अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार, पठन पाठन, अपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी जीव, अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराएं, अपने तीज त्योहार मेले में जो भारतीय का वो कंसेप्ट है उनको लाने की जरूरत है। इसके लिए बाहर से कोई नहीं लाएगा, सरकार नहीं लाएगी, हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और घर से अगर हम बच्चों को सिखाएं, सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा एज ए पेरेंट, पेरेंट्स के है। मंडे ट्यूसडे में फटाफट बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ा गया, रटा दिया गया। सोमवार सरे, भौमवार सरे, बुधवार सरे, गुरुवार सरे, ये नहीं पढ़ाया जाता है। इन शब्दों के सब में अर्थ है। इसी तरह से उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, इसी तरह से आपका जो है चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, सूर्य का जो एक समय चल रहा है, पृथ्वी का जो एक समय है, और सबसे बात छोड़िए हमारे जीवन शैली में आहार परंपरा में बात कही गई है, मैंने उन पर चर्चा नहीं किया, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको चरक ने, धन्वंतरी ने बहुत कहा है, और हम सब मानते हैं कि एक हमारे यहाँ है प्राकृतिक, जिसको कहते हैं प्राकृतिक योग चिकित्सा, है सब सब रोगों की चार दवा, मिट्टी, पानी, धूप और हवा। आपने कहा कैसे बदलेंगे, मिट्टी से हमारा नाता टूट गया, कितने लोग हैं हम, आप अब तो ठंडक है, चलिए बात छोड़िए, कितने लोग हैं कि घास के मैदान में, पार्क में जो है नंगे पैर हम अपना जूता चप्पल खोल कर टहलते हैं, अभी नहीं मैं कह रहा हूँ ठंडक है अभी, कितने लोग हैं शुद्ध पानी के लिए हम जो है वो करते हैं, कितनी बात है कि शुद्ध हवा के लिए बात करते हैं, कितने लोग हैं कि, तो ये बड़ी सारी चीजें जो कही गई है हमारे जीवन में, हमारे इसी भारतीय ज्ञान परंपरा में, कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा अपने पूरा का पूरा। एक और आहार के बारे में है, स्वस्थ आहार और स्वाद परक आहार। जितना स्वाद परक आहार हम लेते हैं, स्वास्थ्य से उसका कोई संबंध नहीं। तो गीता प्रेस के द्वारा
आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने गीता प्रेस के द्वारा और आर्य समाज के द्वारा बड़े सारे छोटे छोटे पुस्तकें किताबें हैं जो हमारी जीवन शैली में ला सकती हैं, बताई जा सकती हैं। अब प्रश्न यह है कि यह पीढ़ी जिसने कभी इसको सुना नहीं, पढ़ा नहीं, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो एक्सेप्ट में है कि एकाएक सब चीजें मत एक्सेप्ट करवाइए, एक दो चीज उसको एक्सेप्ट करवाइए। या हमें तो पूरा पता है कि बचपन में घर में जब देखे जीवन शैली क्या थी, ज्ञान परंपरा का आधार क्या था, कि माता जी जो है, मैं 60 के दशक की बात कर रहा हूं, कि बिना स्नान किए भोजन नहीं पकाती थी और रसोई घर में जाने के लिए बिना पैर धोए घर पर नहीं जाना पड़ा। ये क्या था? ये पवित्रता का था, इसका संबंध, ये संस्कार बच्चों में आता था पूरा पूरा था। गरीबी थी, बहुत सारी चीजें थी, अब ये लुप्त हो गई पूरा। बस कम से कम एक दो आदतें ही बदल दे कि जूता पहने हुए जैसे भी आए बिना हाथ धोए हुए आके बैठ के डाइनिंग टेबल है बैठ के खा रहे हैं, और योग शास्त्र ये कह रहा है कि अगर हम पलथी मार करके जमीन पर बैठ करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हमारे ये सब ऋषियों ने लिखा है बकायदा, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, बैठ के खाएंगे तो हमारा जो है पाचन तंत्र ठीक होगा। लेकिन हमने फास्ट फूड और फास्टेड फूड में ये बड़ी सारी चीजें हैं, कैसे बदलाव आएगा? छोटी छोटी एक दो चीजों से आ सकता है, ऐसा नहीं मैं समझता हूँ, करने की जरूरत है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो हमें स्वयं से करनी पड़ेगी, हम करेंगे हमें देख करके दूसरा करेगा, हो सकता है कि दो लोग, सबको एक साथ हम नहीं बदल सकते हैं, सबको बदलने में तो हम ही नहीं, हम ही बदल जाएंगे। मैं जहां तक समझ पाता हूँ किसी एक चीज से, आहार से लेकर चले, व्यवहार से लेकर के चले, मैं बच्चा जो देख रहा है शुरुआत में ही, हमारे यहाँ संस्कारों की बात थी देखिए कितनी, और सब साइंटिफिक आजकल सब बातें आ रही है, साइंटिफिक है सब, लेकिन उनको दतिया नो सुखी ब्रिटिशर्स और सब पूरा, वो तो जैसे जैसे पूरा हुआ है उनको मटिया मेट कर दिए गए। अब मिलेट्स की बात चर्चा चल रही है, एक समय था कि गेहूं तो होता ही नहीं था, सब यही मोटा अनाज खाते थे, सब स्वस्थ रहते थे, आज हम उसी पैटर्न पे फिर आ रहे हैं मिलेट्स के। तो बस यही है, टर्मोलॉजी गढ़ी जा रही है, पुरानी चीज को नए कलेबर में परोसा जा रहा है और करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ उत्तर तो सबके पास, प्रश्न है तो उसका उत्तर भी अपने ही पास है, कहाँ से शुरू करें हम, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस ढंग से शुरू करें, ये तो अपने ऊपर ही है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा अध्यापक होने के नाते ये जरूरी है कि पहले आचरण में हम लाएं अपने भारतीयता को, भारतीय खान पान, भारतीय ऋषियों की जो वाणी है, हमारे जो बात कही गई उनको आचरण में उतारें, और फिर कक्षा कक्ष में भी, क्लासरूम में भी अगर उनको हम करते हैं तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, मैं जहां समझ पाता हूं। बाकी इंटायर चेंज तो नहीं लाया जा सकता है क्योंकि इतने साल गुलाम रहे हैं, मेड तो वही काम करेगी जो मालिक करवाएगा, अपने आप करेगी तो डांट पड़ेगी, तो हमारे तो पूरा एक डीएनए ही तैयार होता है ना कि हम तो ऐसे रहे हैं, तो कैसे बदलाव में बड़ा समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आप इनको जी सर, कई सारे लोगों की जिज्ञासाएं हैं, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, सारे प्रश्नों को हम नहीं ले सकते यहाँ पे। हाँ, मैं चलते चलते एक शब्द जरूर कह दूंगा, क्योंकि टीचर यूनिवर्सिटी है और आपके कुलपति जी बहुत ही बड़े डायनेमिक और बड़े एक अच्छे वो हैं, जिसको कहते हैं कि गुणों के साथ जुड़े हुए हैं। अध्यापक शिक्षा के विश्वविद्यालय के अध्यापकों को चरक और सुश्रुत की जो युक्तियां हैं जरूर पढ़नी चाहिए, वो अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। चरक ने अध्यापकों के गुणों के बारे में इतनी बातें कही गई शायद किसी ग्रंथ में नहीं है। मैंने पढ़ा जब तो मुझे मिला ऐसा, वो एक विषय अलग है और उसको तो HRDC और UGC ट्रेनिंग प्रोग्राम में चल रहा है। एक को बोलते हैं सुश्रुत युक्तियां और एक है चरक की युक्तियां, सुश्रुत संहिता में है वो, एक चरक है। तो आपका चूंकि अध्यापक विश्वविद्यालय है और जितने भी अध्यापक जुड़े हैं हायर एजुकेशन से, इसमें उन युक्तियों के बारे में जरूर पढ़ें, वो सुश्रुत संहिता में है तो वो आयुर्वेद के संदर्भ में है, सर्जरी के संदर्भ में है, लेकिन उनका प्रयोग हमें प्लानिंग करने में, रिसर्च में लाया जा सकता है बहुत सारी बातें। ये मेरा एक सुझाव है इस वेबिनार के माध्यम से कहने का।
सादर प्रणाम सर, मैं त्रिशला दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज के इस सत्र भारतीय ज्ञान प्रणाली का ऐतिहासिक विकास में आपने अपना ज्ञान और अनुभव हम सबके साथ साझा किया और भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्धि से हमें अवगत कराया। इस सत्र में सर आपने हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, सभ्यता, वेद, वेदांग, उपनिषद इत्यादि के बारे में बताया। श्रुति और स्मृति जो हमारे धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में बताया। महाभारत जिसे कि पांचवा वेद कहा जाता है और रामायण के बारे में भी हमें बताया। और आपने बड़े ही सुंदर तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी हमें समझाया और हमारे जो पूर्वज हैं, जो विद्वत जन थे, उनके महान योगदान उन्होंने जो हमारे सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाने में दिया है उसके बारे में भी सर आपने हमें काफी कुछ बताया। और सर इस हम आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस अद्वितीय ज्ञान जो आपकी है उस वो आपने हमारे साथ साझा किया, धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस वेबिनार से जुड़े लोग हैं, जो आचार्यगण हैं, आप सभी अपने आचार्यत्व को मेंटेन रखें, मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है। शिक्षक का शिक्षकत्व तो जीवित रहे। मैं समझता हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐतिहासिक विकास की यात्रा चलती रहेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, नमस्कार।